तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। जी हाँ, फॉर्मेटिंग ट्रिक्स आज की हमारी इस क्लास में है। हमने लास्ट क्लास में क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ा था, मतलब कि कॉपी के पेस्ट, पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट पिक्चर, पिक्चर लुकअप वगैरह वगैरह। हमने इस क्लिपबोर्ड के हमने बेसिक पार्ट से एडवांस पार्ट की तरफ बढ़े थे। अब जो है हम कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कुछ छोटे छोटे चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है हमारे ऑफिशियल लाइफ में। तो जैसे कि हमने कॉपी एंड पेस्ट तो कर दिया, लेकिन कॉपी एंड पेस्ट के लिए जरूरी होती है सिलेक्शंस। तो चलिए हम सिलेक्शंस की बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर रेंज को आप कैसे सिलेक्ट करेंगे और कैसे जल्दी सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के क्या तरीके हैं। आप सोच रहे होंगे सिलेक्शन तो सिंपल सा है, सिलेक्ट करो और यूज करो, लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ ट्रिक्स है, कुछ चीजें हैं जो कि डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे कि सबसे पहले सिलेक्शन, तो जनरली लोग सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ एरो की से, एरो की सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है। लेफ्ट राइट अप डाउन एरो की का इस्तेमाल करते हैं, जनरली यही यूज होता है। दूसरा, आप माउस से भी सिलेक्शन कर सकते हो कि क्लिक करके होल्ड कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है। अब हम माउस पे आते हैं कि मुझे डेटा को सिलेक्ट करना है, तो बेसिकली आप लोग क्या करते हैं कि माउस क्लिक करके फिर उसको ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा क्या करें, एक तरीका और है कि आप स्टार्टिंग पे क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और सबसे लास्ट में क्लिक करें, राइट। आप स्टार्टिंग में क्लिक करें, सिप प्रेस करें और लास्ट में क्लिक करें, आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो मैनुअल सिलेक्शन हुआ। दूसरा, आप कंट्रोल ए करते हैं, तो कंट्रोल ए करने से आपका सिलेक्ट ऑल हो जाता है। अगर दो बार कंट्रोल ए करते हैं तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाती है, इसलिए आप सिर्फ कंट्रोल ए एक बार करेंगे। और कंट्रोल ए करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि कर्सर स्टार्टिंग में होना चाहिए, आप कहीं भी रख सकते हैं। और कंट्रोल ए अगर आप करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके डेटा में पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, पूरी की पूरी रो ब्लैंक है, तो फिर आपकी सिलेक्शन पूरी नहीं होगी। जैसे आपने यहां पे कंट्रोल ए किया तो आपका सिलेक्शन ऊपर तक होगा, क्योंकि ये सीरीज के अकॉर्डिंग चलता है। जहां पे सीरीज अनब्रेक होता है वही पे इसका यूज करते हैं। क्लियर है पंकज जी, मनोज जी? तो ए हो गया। दूसरी चीज है कि जब डेटा सिलेक्शन आप करते हैं तो डेटा सिलेक्शन में एक दिक्कत और आती है। जैसे कि आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ कर्सर मूव, पहले कर्सर मूव करना सीख लीजिए। कर्सर यहाँ है तो मुझे सबसे लास्ट में लाना है, तो कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो यूज करेंगे तो कर्सर आपका सबसे लास्ट में आएगा, अप ऊपर, ऐसे लेफ्ट राइट। अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ एरो यूज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट मैंने राइट एरो किया, डाउन किया, सिलेक्शन हो गया। तो सिलेक्शन करने के लिए इस मेथड का भी इस्तेमाल होता है कि मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की यूज करूंगा तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है छोटी सी कि अगर आपका कहीं सीरीज ब्रेक हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, आपको यहां से यहीं तक आ जाएगा। क्योंकि तो आप कंट्रोल के साथ जो एरो की यूज करते हैं तो ऊपर तक जहां सीरीज ब्रेक होता है, जहां पे ब्लैंक सेल मिलेगा, वहीं पे आके आपका रुक जाएगा। ठीक है, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पंकज जी, मनोज जी और खान जी? हेलो जी, जी आ रही आवाज? ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज भी देख लीजिएगा, फिर आपको मैनुअल सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो डेटा सिलेक्शन का ये तरीका था हमने। अब बात करते हैं कि मल्टीपल सेल सिलेक्शन, मतलब कि मुझे कुछ कुछ सेल को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ कंट्रोल के साथ आप क्लिक करते जाए और सिलेक्ट कर लेंगे।
अब याद रखिएगा, अगर इस तरह की सिलेक्शन आप करते हैं तो इसको इसको जो है आप कॉपी नहीं कर पाएंगे। अब क्यों नहीं कॉपी क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉपी जो होता है सीक्वेंस में होता है। जैसे कि अगर आपने इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ, मैंने इसको क्लिक कर लिया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक कर लिया, इसको कॉपी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक ही रो में है। अगर मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सॉरी मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको किया, अब एक ही कॉलम में है तो इसको कॉपी किया जा सकता है। तो इसका भी ध्यान आप लोग रखेंगे कि आप कंट्रोल के साथ मल्टीपल सेल सिलेक्ट करते हैं तो आपका कॉपी नहीं होगा। क्लियर सर? लेकिन हाँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने तीन सिलेक्शन किए हैं, फिर इसी के नीचे मैं इसको भी लेता हूं, इसको भी लेता हूं और इसको भी लेता हूं, एक कॉपी हो जाएगा। तो इससे क्या समझ रहे हैं, जैसे कि ऊपर तीन है तो सेम रो एंड सेम कॉलम में नीचे भी तीन होने चाहिए। समझ में आ रहा है मनोज जी एंड खान जी कि मल्टी सेल आप सिलेक्ट करते हैं तो मल्टी सेल सिलेक्ट करके कॉपी करने के लिए आपका सीक्वेंस दोनों का सेम होना चाहिए। सीक्वेंस अलग अलग है तो दिक्कत होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी जैसे मैंने कॉपी किया, इसमें बहुत सारी चीज ए है आपका ब्लैंक है, लेकिन कॉपी करके कहीं और पेस्ट करोगे तो वहां पे आपका सीक्वेंसली आएगा। जैसे ये देखिए, इसी को ले लीजिए ना, इसमें कई कॉलम गैप है और मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे ये सीक्वेंस में आएगा। चलिए, तो सिलेक्शन के गुण थे ये आपको हमने बता दिए। उसके अलावा एक चीज और आपको यहाँ बताना है, जैसे कि मान लीजिए तो एक विथ इन सीट हुआ, मान लीजिए कि मुझे कॉपी पेस्ट या कुछ करना है, टाइप ही करना है और मुझे तीनों सीट पे करना है, या चार सीट है, पांच सीट है, दस सीट है, सब पे करना है सेम लोकेशन पे, तो उस केस में आप पहले सीट पे क्लिक करें, शिफ्ट को प्रेस करें और लास्ट वाले सीट पे क्लिक करें। अब यहाँ क्या हो गया कि देखिए ऊपर ग्रुप हो गया, ग्रुप होने के बाद बहुत सारे फीचर्स आपका ये डिसेबल हो जाता है, बहुत सारे एनेबल रहता है। अब जो भी हम करेंगे ये पांचों सीट में एक साथ होगा। जैसे कि यहाँ हम मान लीजिए कि डेट डालते हैं और डेट में मान लीजिए यहाँ हम डेट डाल दिया तो ये डेट सिर्फ सीट वन पे नहीं डली है, आप सीट फोर पे भी जाएंगे, सीट फाइव पे भी जाएंगे, सब पे डलेगी, लेकिन सेम लोकेशन। ठीक है सर? अब इसमें एक चीज और करते हैं, एक डेटा मैं छोटा सा डेटा सैंपल बनाता हूं, इसमें भी दो चीजें सिखाता हूं आपको मैं। नेम सेल्स, मैं यहां पे इसको कॉपी किया, अगले सीट पे गए और शिफ्ट के साथ मैंने सारे सीट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सॉरी डबल क्लिक हो गया था, इस कारण से पेस्ट नहीं हुआ। मैंने इसको कॉपी किया, अगले सीट पे गए शिफ्ट के साथ और इसमें हमने पेस्ट कर दिया। और ये देखिए ये फॉर्मूला लगा हुआ है, सारे सीट में फॉर्मूला लगा हुआ है, रैंड बिटिंग का फॉर्मूला मैंने लगा रखा है रैंडम नंबर के लिए। अब मैं चाहता हूं कि हर सीट, जितने भी सीट्स हैं, हर सीट का जो फॉर्मूला है उसको रिमूव करना है, तो मुझे एक एक करके कॉपी पेस्ट वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा और पूरे सीट को सिलेक्ट कर लूंगा और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे। अब देखिए आपका हर एक सीट पे ये नंबर पे फॉर्मूला रिमूव हो चुका है। तो अगर कई सारे से अगर फॉर्मूला रिमूव करना है तो इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब अगली चीज जो कि हमें ऑफिशियल लाइफ में काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है उसके बारे में देखिए। अब क्या है कि मेरे पास, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर, मैं कुछ तरह इसमें हमने दोनों कॉलम सिलेक्ट किए, क्या मैं एक कॉलम को सिलेक्ट करके भी कर सकता हूं? नहीं समझ नहीं पाए क्या बोला आपने सर। मैं बोल रहा हूं कि आपने नेम वाला कॉलम सेल्स वाला कॉलम दोनों सिलेक्ट किया, हाँ, और उसको पेस्ट एज वैल्यू किया, हाँ, तो मैं इसमें सिर्फ जो इसमें आपके न्यूमेरिक संख्या लिखे सेल्स वाले कॉलम को सिलेक्ट करके उसको नहीं कर सकता मैं?
देखिए बताता हूँ आपको कि आप जब सीट के साथ काम करेंगे, जब पूरा सीट सिलेक्ट करिए, तो आप जरूरी नहीं है कि दोनों कॉलम सिलेक्ट करें, जिस एरिया को करना है आप उसी एरिया करेंगे, बट ध्यान रखें कि हमने बी कॉलम को कॉपी करके पेस्ट किया है तो हर सीट में वो बी कॉलम को ही करेगा। समझ गया ना? अब ऐसा नहीं है कि सीट फोर में सी कॉलम कर देगा डी कॉलम, नहीं, ये लोकेशन सेम पर करता है, चाहे आप एक एरिया को करें या पूरे को। जिस एरिया से मान लीजिए मैंने यहाँ पे बी सेवन और एट को किया है तो हर सीट में वो बी सेवन एट को ही करेगा। ओके, अब अगली चीज आती है कि डेटा मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सीट में डिफरेंट डिफरेंट डेटा है हमारे पास, अलग अलग जगहों से आई है। तो आप लोग ऑफिस में होता होगा कि कई सारे शीट्स पे या कई सारे फाइल्स पे, अलग अलग फाइल्स या अलग अलग जगह से डेटा आता होगा, आप उसको ओपन करके कॉपी करके फिर एक के नीचे पेस्ट करके उसको कोलेट करते हैं, ऐसे काम तो आता रहा होगा। मनोज जी आता है आपको सर? मनोज जी खान जी रिप्लाई कीजिए सर, रिप्लाई से पता चलता है कि हाँ आप लोग क्लास में है। खान लेफ्ट हो गया, चलिए सॉरी। तो अब बात आती है कि एक के नीचे पेस्ट कैसे करें, तो आप लोग क्या करते होंगे कि आप लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, डेटा में जाते हैं और आप इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, वापस अगले सीट पर जाते हैं, डेटा को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और फिर सबसे लास्ट में जाते हैं और पेस्ट करते हैं। तो ये आपका डबल डबल काम है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपके ऑटोमेट हो जाएगा, लेकिन इतना कहता हूं कि इसका 50% काम खत्म हो जाएगा। मतलब आपको कॉपी करके फिर लास्ट में जाके जब पेस्ट करने की बात आती है, जस्ट आप यहाँ पे कॉपी कीजिए, लास्ट में जाके पेस्ट अपने आप हो जाएगा। कैसे? तो कॉपी करने से पहले आप क्लिपबोर्ड को ऑन कर लें। जी हाँ, क्लिपबोर्ड यहाँ के सामने ये आपको एरो की दिखेगा, तो इस एरो की को आप ऑन क्लिक कर लें। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी, कॉपी करते देखिए यहां इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है। सेम अगली सीट भी सेम ऐसे ही सिलेक्ट करना है, कॉपी करना है। तो आपको जिस जिस सीट है, फाइल है, वेबसाइट है, पीडीएफ है, कहीं भी है, आपको जस्ट कॉपी करते चले जाइए। यहाँ पे देखिए 24 बार कॉपी कर सकते हैं सर, और इसको सिलेक्ट किया एंड आल्सो कॉपी कर लिया। अब मुझे जहां पेस्ट करना है वहां पे जाएंगे, कर्सर रखेंगे और यहाँ जस्ट पेस्ट ऑल पे क्लिक करना है और देखिए आपका पूरा डेटा पेस्ट हो गया। आप चाहते कि नहीं मुझे पूरा नहीं, मुझे कुछ सीट पेस्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस में होता है, आप जिसको पेस्ट करना है उसको पेस्ट कर सकते हो। तो वापस दोबारा फाइल कॉपी करने से पहले इसको क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इसमें स्टोर रहता है। तो आप दोबारा कहीं कॉपी करते हैं तो आप इसको पेस्ट कर लीजिएगा, इसको क्लियर कर दीजिएगा। तो क्लियर और कर दीजिए, क्लियर हो गया। और मनोज जी, पंकज जी, सब कुछ समझ में आ गया? कोई डाउट सर? नो सर। ओके, अब इसमें आगे ए हमारा पार्ट हो गया क्लिपबोर्ड का, और मिसलेनियस टॉपिक था वो मैंने बताया। आई होप कि इसके जो चीजें मैंने बताई आपको आपके ऑफिशियल लाइफ में यूजफुल होगा अगर आप यूज करते हो तो। अब अगली बात आती है फॉर्मेटिंग की। देखिए फॉर्मेटिंग में हमारा बहुत ज्यादा टाइम किल होता है, क्यों? क्योंकि कोई भी हम रिपोर्ट बनाते हैं तो उस रिपोर्ट बनाने का प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट एनालाइज द रिपोर्ट, सेकेंड
analyze the report. Second, draw the formats. Third, apply the formula. And fourth, apply the visualization. जैसे अगर मैं कोई रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, आप टेम्पलेट से ही डाउनलोड करके कोई रिपोर्ट देख लीजिए. न्यू पे क्लिक करता हूँ. बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं कोई एक आध रिपोर्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ जिससे मैं समझा सकूँ मैं क्या करना चाहता हूँ. हाँ, इसी को ले लेते हैं. राइट. अब ये देखिए कि इसमें फॉर्मूला और बाकी चीज तो लगा हुआ है, अपने जगह पे लगा हुआ है, राइट. लेकिन इसमें ये अट्रैक्टिव किस फॉर्मूला से लग रहा है? जी नहीं, ये अट्रैक्टिव लग रहा है फॉर्मेटिंग से. हर महीने की फॉर्मेटिंग देख रहे हैं आप, दिख रहा है सर आपको? तो ये फॉर्मेटिंग से अट्रैक्टिव लग रहा है. तो फॉर्मेटिंग में अब इसमें क्या है कि फॉर्मेटिंग, अब जो अगला चैप्टर, अगले आपको कुछ दिन की क्लास चलेगी, वो चलेगी फॉर्मेटिंग के ऊपर. तो चलिए फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए फॉर्मेटिंग में तो नॉर्मल बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, एशिया फॉर्मेटिंग तो आप इस्तेमाल करते ही हैं. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फॉर्मेटिंग जो कि सिंपली नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं तो आप क्या होता है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे टेंथ लिखा तो टीएच ऊपर चला जाता है, एनडी लिखा सेकेंड में एनडी ऊपर चल जाता है, आरडी ऊपर चल जाता है और फिफ्थ भी ऊपर चला जाता है. लेकिन एक्सेल में अगर मैंने यहां पे मान लीजिए कि एनडी गया तो ऊपर नहीं गया, पीएच किया तो नहीं गया. तो ये अगर मान लीजिए कुछ ऐसे फॉर्मेट अगर बना रहे हैं आपकी जरूरत है तो कैसे जाएगा? तो उसके लिए आप इस पे डबल क्लिक करें, जिस लेटर को आपको ऊपर भेजना है उसको सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाए, फॉन्ट फॉर्मेट में सिर्फ फॉन्ट ही चलेगा. इसमें आपके पास सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल करें. देखिए सिलेक्ट किया और हम फॉन्ट में गए, सुपर स्क्रिप्ट. उसी तरह से यहां पे अगर मान लीजिए 10 डिग्री करना है तो 10 और स्मॉल करें और इसमें सेलेक्ट करें और यहां पे हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं 10 डिग्री. लेकिन अगर आप यहां पे स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में आपने 2 को सेलेक्ट करोगे और आप सुपर स्क्रिप्ट करोगे. अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो 10 स्क्वायर है ये आपके यहाँ दिख रहा है लेकिन एंटर मारते वापस 180 हो जाएगा, क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ किस पे काम करता है? वो काम करता है टेक्स्ट के ऊपर. तो हमने नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और फिर ओके कर रहे हैं. अब देखिए यहां पे 10 स्क्वायर आपको आ गया, राइट सर. उस तरह से अगर आपको नीचे की तरफ करना, जैसे मान लो H2O वाटर का फॉर्म लिख रहा हूं मैं और फिर यहां पे हमने सुपर स्क्रिप्ट नहीं, ऊपर नीचे करना है ना, सब स्क्रिप्ट, तो यहां पे आपका हो जाएगा. उसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास कुछ नंबर्स, यही पे नंबर्स हैं. आप मान लीजिए कोई नंबर हमारा गलत है, ये नंबर हमारा गलत है, तो अगर आपके पास नोट पैड है, पेन पेंसिल है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप इसको इस तरह से क्रॉस कर देंगे. लेकिन ये तो मेरा गो टू मीटिंग का टूल, इसका जूम का टूल्स था, तो ये तो इसमें लेकिन आप लोगों के पास तो होगा नहीं और ये प्रिंटेबल भी नहीं है. तो इसके लिए हम बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे चले जाएंगे और फॉर्मेट सेल में आने के बाद
यहाँ हम बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे इसको, क्रॉस सही का निशान F4 आप प्रेस करते हैं तो F4 आपका क्या होता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है F4। अगर सही का निशान चाहिए आपको तो आप यहां भी किसी पे भी क्लिक करके फॉर्मेट में जा सकते हो, इसमें फॉर्मेट सेल खुल जाता है, किसी भी अलाइनमेंट नंबर या किसी पे कर लीजिए और इसके बॉर्डर पे। अब मान लीजिए आप सही का निशान जो राइट का निशान होता है जो हिंदी का 9 होता है, हमने इसको लिया और इसको लिया एल ओके कर दिया। लेकिन ये तो फॉन्ट है, अब इसके बिहाफ पे अपने डेटा को कहीं कॉल नहीं कर सकते और ना ही आप इसके बिहाफ पे कोई कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आप नहीं डेटा को इसको कहीं कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा चाहिए इसके जिसका हम कंडीशन अप्लाई कर सके ताकि हम फॉर्मूला उसको रीड कर सके, क्योंकि इसको फॉर्मूला हमारा रीड नहीं करेगा, ये सिर्फ प्रिंटिंग पर्पस से होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये है कि हम पी लिखेंगे कैप्स में और हमारे पास एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू या बेडिंग टू कुछ ऐसे बोलते हैं, यहां नीचे देखिए। तो ये फॉन्ट क्या करता है कि आप लिखते तो पी हो लेकिन उसकी विजिबिलिटी इस तरह के चेंज कर देता है, और क्रॉस क्लिक के लिए मतलब सही निशान के लिए आप ओ का इस्तेमाल कर सकते हो, कैप्स में ओ का। तो अगर आपको इस पे कोई ये लगाना है फॉर्मूला, फॉर्मूला लगाना है तो आप पी और ए के ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है सर? ओके चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये तो फॉन्ट है आपका, हो सकता है कि आपका ये फॉन्ट जो आप अप्लाई कर रहे हैं ये फॉन्ट आपके सिस्टम में ना हो, तो उस केस में मैं कैप्स में जे लिखूंगा और इस जे को हमारे पास एक अलाइनमेंट होता है जिससे हम अपने टेक्स्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, जिसकी जो ओरिएंटेशन है मैंने -45 डिग्री पे सेट करके ओके कर दिया, और आप क्रॉस एक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन क्या ओरिएंटेशन का इस्तेमाल इसी चीज के लिए होता है? जी नहीं, इसका यूज और भी नए कुछ चीजों के लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अटेंडेंस बना रहे हैं, मैं यहाँ पे हाँ अटेंडेंस आपका एक अटेंडेंस है और आपने मान लीजिए कि इसका अप्रैल का अटेंडेंस बनाया हुआ है, अप्रैल का अटेंडेंस बनाया हुआ है, और इसमें मैंने पी कर दिया, या इस 18 तारीख है, ये 30 तारीख भी हो सकता है, पूरा महीना ही ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है? कंट्रोल आर कंट्रोल डी। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको इसको पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ किसी भी कॉलम के ऊपर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। अब ऑटो फिट होने से दिक्कत क्या हुआ कि अब ये जो है प्रिंट में नहीं आ रहा है, एक पेज के प्रिंट में नहीं आएगा, अगर प्रिंट प्रिंट का मैं यू तो देखिए आ रहा है ऐसा, अगर मैं इसको पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर दूं फिर भी हमारा नहीं आएगा एक पेज में, नहीं आ रहा ना सर?
अब क्यों नहीं आ रहा है एक पेज में? क्योंकि हम जैसे देख पा रहे हैं कि हमारा जो डेटा है ना, डेटा तो पी बहुत छोटा है, हेडिंग हमारा बड़ा है। अब हेडिंग को कितना छोटा करेंगे? विजुअल के लिए बहुत छोटा करेंगे तो विजुअल नहीं होगा। तो क्यों ना मैं इसको पकड़ा, इसको सिलेक्ट करके, और सॉरी यहाँ पे इसको हम रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पे। अब मैं इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके ऑटो फिट करता हूँ। देखिए एक पेज में फिट हो गया सर, और हम हेडिंग को पढ़ भी सकते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? पंकज जी, पंकज जी, यूजफुल है ना सर? यूजफुल है ना सर? यूजफुल है सर। तो इसका इस्तेमाल हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब बात करते हैं मर्ज सेल। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सुजीत कुमार लिखा, मैं इसको यहाँ से रैप कर देता हूँ ताकि अगली कॉलम, क्योंकि डबल क्लिक करोगे तो आपका कॉलम का साइज बढ़ जाता है, लेकिन कॉलम की साइज नहीं बढ़ानी है तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट कर सकते हो तो टूट के नीचे आ जाएगा। लेकिन ये तो अपने हिसाब से टूटेगा, आपको तोड़ना है अपने हिसाब से टाइप करते समय। तो टाइप करते समय जहां से तोड़ना है आपको वहां पे ऑल्ट एंटर प्रेस कर, ऑल्ट एंटर प्रेस करते वो वहां से टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन रैप टेक्स्ट करने पे, रैप टेक्स्ट करने पे आपका कॉलम का साइज बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं मेरा रैप टेक्स्ट ना हो, नहीं मैं ना रो बड़ा करना चाहता हूँ ना कॉलम बड़ा करना चाहता हूँ। मेरे रो एंड कॉलम के में जो के हिसाब से मेरा टेक्स्ट का साइज ऑटोमेटिक फिट हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है श्रिंक टू फिट। हम श्रिंक टू फिट का यूज करेंगे तो क्या होगा कि मेरे कॉलम के साइज से उसका टेक्स्ट का साइज फिट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और जैसे मैं कॉलम बड़ा करेंगे वो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा ओरिजिनल साइज तक होगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कर दिए तो बहुत बड़ा होगा, उसका जो टेक्स्ट साइज होगा यहाँ पे वो ये होगा। आप चाहते हैं कि बहुत बड़ा हो जाए तो यहाँ पे टेक्स्ट साइज जो है ज्यादा कर दीजिए, यहाँ पे टेक्स्ट साइज ज्यादा कर दीजिए। तो जैसे जैसे आप छोटा करेंगे ये आपका छोटा होता चला जाएगा। ठीक है सर? ओके सर। और मर्ज सेल तो पता ही है कैसे सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं, ये तो नॉर्मल चीज बात है। क्योंकि मर्ज में आपके पास यहाँ होता है एक क्रॉस मर्ज। एक क्रॉस मर्ज क्या करता है कि वो सिर्फ कॉलन को मर्ज करता है, ओनली फॉर कॉलन को मर्ज करता है। ठीक है सर? तो मिसलेनियस फॉर्मेट टॉपिक हमारा खत्म हुआ। हम आगे आपके साथ कल डिस्कस करेंगे नंबर फॉर्मेट। क्या डिस्कस करेंगे? नंबर फॉर्मेट।